हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो गाइस, अभी जैसा कि आपको पता है, कल मैं गाड़ी की सर्विस करवाने जा रहा था, पर रोहन के मामा आ गए तो इस वजह से हम जा नहीं पाए और ना हमारा आटा पिस पाया था। तो गाइस, आज हमारा प्लान है, सबसे पहले गाड़ी सर्विस कराएंगे, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तो सर जी अभी खाना खा रहे हैं गाइस। ये देखो गाइस, अभी सर जी का भोजन चल रहा है यहाँ पे। सर जल्दी जल्दी फिनिश करो, फिर चलते हैं गाड़ी सर्विस करवाने। देखो गाइस, स्पीड बढ़ा दी खाने की। गाइस स्पीड एकदम डबल हो गया। ऐसे कौन कौन स्पीड बढ़ाता है यार, इतनी तेज स्पीड कौन खाता है गुरुजी। सो गाइस, ये है अपना ऑफिस, जो स्टूडियो हम बना रहे हैं, ऑफिस बोल लो स्टूडियो बोल लो गाइस, जैसा भी आपके सामने है। फिलहाल अभी तो पार्किंग अड्डा बना हुआ है, तो आप लोग बताओ मैं क्या इसमें कर सकता हूँ, कमेंट करके बताओ गाइस, कहाँ क्या मॉडिफिकेशन रहेगी, क्या अच्छा लगेगा, इस दीवार पे क्या अच्छा रहेगा और इस दीवार पे क्या अच्छा रहेगा, यहाँ पे सजावट कैसी होनी चाहिए। जैसा आप लोगों को पसंद होगा ना गाइस, कमेंट करके बताओ, वैसा ही बना देंगे बिल्कुल, और उसी थीम पे आप लोगों के साथ यहाँ से वीडियो मिलेंगे गाइस। मुझे ये काम गाइस जल्दी जल्दी फिनिश करना होगा, नहीं तो मेरे का फिर से अतिक्रमण शुरू हो जाएगा। यहाँ पे कब्जा शुरू हो गया, पानी की बोतलें आ गई हैं, सर जी का ये स्कूटर आ गया, ये बाइक आ गई और तो कुछ नहीं, खैर ये तो मेरा हेलमेट ही है, मेरा ही है गाइस। कब्जा शुरू हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पे जल्दी से जल्दी बताओ कमेंट करके कैसा बनाना है, फटाफट से इसको तैयार करते हैं ताकि नई नई वीडियोस आपके साथ शेयर हों। दूसरे चैनल्स भी आने वाले हैं गाइस, तो उन चैनल्स पे आपके साथ नई नई वीडियोस शेयर होंगी गाइस। ये देखो गाइस, छोटे बाबू भी आ चुके हैं, बड़े भैया की गोदी चढ़ रहे हैं। आप क्या करोगे सर, आप नंगू पंगू हो गाइस? देखो ये भी बॉडी दिखा रहा है अपनी, बॉडी बिल्डर बनोगे क्या, अभी से बनोगे क्या गाइस? ये सर जी भी अपनी बॉडी दिखाते फिर रहे, शर्मा नहीं रहे बिल्कुल भी। गाइस आपने बॉडी बिल्डर बहुत देखे होंगे, ऐसे छोटे बॉडी बिल्डर नहीं देखे। अच्छा, छोटे बॉडी बिल्डर, तो गाइस देखो बड़े बॉडी बिल्डर देख लिए होंगे, छोटे बॉडी बिल्डर है। सर जी डोला फुलाना अपना, सर जी सोला का डोला फुलाना, सर डोला तो दिखा दो गाइस। अभी नंगू मंगू है तो इसे अभी हम दिखा नहीं रहे क्योंकि नीचे का आइटम साफ है इसका भी, क्योंकि गाइस नीचे कुछ पहना हुआ नहीं है, वो यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ है, तो इसलिए हम नीचे का दिखाते नहीं, नहीं तो उसे भी दिखा देते हम। सर जी आप ही बता दो स्टूडियो कैसा बनाऊं मैं? डैडी मस्त मस्त, हाँ, और न्यू थीम, न्यू थीम, हाँ, और इसमें वो भी करवाना है न्यू बैकग्राउंड। अच्छा बैकग्राउंड अच्छा लगा, गाइस देखो कितने धीरे से भाई साहब शातिर दिमाग गाइस कितने धीरे धीरे से बोल रहा, मैं कह रहा मस्त थीम कर दो, बैकग्राउंड अच्छा सा कर दो, एसी लगवा दो और पंखे लगवा दो, फिर मैं आपके ऑफिस पे कब्जा कर लूंगा। देखो कितने प्यार से बोल गया, कितनी बड़ी बात, शातिर दिमाग नहीं हो रहा कुछ इसका ज्यादा। गाइस कब्जा तो मैं करूंगा अपने ऑफिस पे, वो सब ठीक है, पर अभी चलते हैं जल्दी से गाड़ी की सर्विस करा लाते हैं गाइस। सो गाइस अब जल्दी से चलते हैं, और सर जी आ चुके हैं अपना खाना पीना लेकर, मैं कह रहा हूँ वही पार्टी करूंगा आज जहाँ सर्विस होगी गाइस गाड़ी की। सर जी आप घर ही रुक जाते हैं, वहाँ परेशान हो जाओगे, मैं करवा लेता आज। पार्टी करनी है, मैंने तो ये सर्विस थोड़ी करवानी है गाइस, पार्टी करनी है, सर्विस थोड़ी करवानी है। सो गाइस अभी आ चुके हैं दोनों गाड़ी में, अभी जा रहे हैं जल्दी से पहुंचते हैं टीनू भैया के यहाँ, तो टीनू भैया से करवाते हैं आज गाड़ी की सर्विस गाइस। और ये देखो गाइस कितनी फुर्सत के पलों में आराम कर रहे हैं फ्रंट सीट पे सर हमारे। तो गाइस पहुंच चुके हैं अभी भैया के पास, जल्दी से करा लेते हैं सर्विस और गाड़ी लगा देते हैं कहीं साइड में गाइस। आज तो जगह मुश्किल लग रही है, चलो दूसरी तरफ है मिल गई गाइस, उधर से घुमा के लगानी पड़ेगी गाड़ी। तो गाइस अभी भैया कर रहे हैं इसका एयर फिल्टर चेंज सबसे पहले, क्योंकि ऊपर से ही होता है, और ये देखो गाड़ी की हालत क्या हो रखी है गाइस, पूरी गंदी हो रही है, पर इसे धुलवा के बिल्कुल चकाचक करा देंगे। और सतपाल भाई हमारे नीचे से कर रहे हैं चेंज, तो ऑयल निकलता है ना नीचे से, वो कर रहे हैं। और गाइज ये ब्रेक पैड चेंज किए जा रहे हैं यहाँ पे, तो जितना ऑयल था वो एक्स्ट्रा निकल गया, देखो ये सारा ऑयल बह के बाहर आ गया। तो भैया अब नए ब्रेक पैड लगा रहे हैं इसमें, फ्रंट साइड के दोनों तरफ के ब्रेक पैड एक साथ चेंज, और इंजन ऑयल वगैरह सब कुछ चेंज। सर्विस मस्त होती है गाइज यहाँ पे, ये टेंशन नहीं रहती, गाड़ी ले आओ बस खड़ी कर दो लाके, जो भी दिक्कत होगी भैया अपने आप कर देंगे, मज़ा आ जाता है यहाँ सर्विस करा के, गाड़ी बिल्कुल मक्खन चलती है। फिर ये देखो ये निकाल लें भाई साहब तेल, जो इंजन में से इतना तेल निकला है हमारा। और अब गाइस टायर लगवा देते हैं इसका, क्योंकि यहाँ काम हो चुका है फिनिश अपना।
गाइज एक तरफ के तो ब्रेक पैड चेंज हो चुके हैं, अब भैया दूसरी तरफ का टायर खोले इधर के और ब्रेक पैड चेंज कर देते हैं जल्दी से गाइज। गाइज गाड़ी का ये और ख़राब निकला तो स्टीयरिंग रोड में लगता है, तो इसको और वापस लेके जा रहा हूँ मैं रोहन के साथ। अब ओला की हुई है गाइज, वापस टैक्सी करके अब चलते हैं वापस, जल्दी से डलवाते हैं इसको भी, क्योंकि सर्विस पे सारा चीज़ चेंज करा दो, कुछ भी दिक्कत ठीक करा दो तुरंत गाइज उसे। ये देखो गाइज अभी रास्ते में पहुँच जाएँ फटाफट से तो अपना काम हो फिनिश। गाइज गाइज अभी लग रहा है इसमें ऑयल फिल्टर, भैया लगा रहे हैं नीचे से, लगता है एक यहाँ रहता और एक यहाँ पे, तो यहाँ वाला तो चेंज कर दिया था, नीचे वाला चेंज कर रहे हैं। ये देखो गाइस ये रोड थी जो मैं लाया था ना, भैया लगा रहे हैं इसको, तो स्टीयरिंग में लगती है जिससे थोड़ी सी बबलिंग रहती है, तो वो चीज़ हल्की सी थी, कह रहे चल जाएगी पर मैं चेंज कर दो तुरंत, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ये चीज़ रिस्क नहीं लेना चाहिए गाइस इसमें। ये देखो गाइस सर जी की चल रही है यहाँ पे टकाटक पार्टी, टकाटक ला कर खा रहे हो, अकेले अकेले खा गए, गर्मी नहीं लग रही आपको इसमें, उतर जाओ गाइस, अकेले अकेले खा गए टकाटक, मुझे दिए नहीं इसमें। ये देखो कितने आराम आराम से खा रहा है, है स्वाद आ गया पूरा। कोल्ड ड्रिंक लाऊं? कोल्ड ड्रिंक ना, देखो कितना कुछ हुआ। हाँ हाँ सो गाइज अभी हो चुकी है अपनी गाड़ी की मस्त सर्विस, तो अभी चल रहे हैं चक्की पे, वहाँ पिसवा लेते हैं आटा, क्योंकि कल भी हमारा आटा पिसा नहीं था, आज मम्मी हमारी रेल बना देंगी जो आज आटा नहीं पिसा। गाइज आप कुछ खाओगे सर? अच्छा जूस पीना है, चलो वहीं पिलवा देंगे जूस। तो गाइज अभी पहुँच चुके हैं चक्की पे, यहाँ पिसवा लेते हैं आटा अपना। सर जी आप पलट दो कट्टा, पलट दोगे आप? पलट दो, पलटने में क्या जा रहा है जा। हाँ जी जूस, चलो पहले पिस जान दो फिर पिलवाएंगे जूस। तो गाइस चक्की चल चुकी है अपनी, अब जल्दी से पिसवा लेते हैं आटा, लेते हैं जूस। मैं तो पाइनएप्पल का पीऊंगा, आप कहाँ का पियोगे? मौसमी। गाइस दो आदमी दोनों की चॉइस अलग अलग। गाइस आ चुके हैं जूस की शॉप पे, यहाँ जूस पी लेते हैं अब। पाइनएप्पल का पियोगे? पाइनएप्पल। गाइस अपनी बात पर कायम है बंदा, मौसमी। मीडियम बनवा दूं, बड़ा छोटा कौन सा? बड़ा। गाइस देखो सर जी इतने बड़े खुद हैं और उतना ही बड़ा गिलास ले लिया, पी लेगा सारा। गाइस आ चुका है हमारा भी पाइनएप्पल का जूस, मस्त लगता है। गाइस जूस तो मस्त था, मेरा तो फिनिश हो गया और सर जी ने मेरे से बड़ा गिलास लिया। देखो गाइस कर दिया फिनिश, थोड़ा सा बच रहा गाइस जिसका फिनिश होने वाला बस। तो गाइस अभी चलते हैं वापस घर, क्योंकि मैं सोच रहा था अभी धुलवा दूंगा गाड़ी, लेकिन अब टाइम हो चुका है 5:23 गाइस, तो आज तो टाइम रहेगा नहीं गाइस। सर जी भी दोपहर से मेरे साथ हैं तो इनको भूख लग रही है, भूख नहीं लग रही गाइस, इन कामों में रहेगा तो इसे भूख नहीं लगती ना प्यास लगती, वह ऐसे कामों में घुमाए जाओ। हालांकि अभी इसको चल के होमवर्क भी करना गए, तो अभी आज का प्रोग्राम तो मैंने पोस्टपोन कर दिया गाड़ी धुलवाने का, सर्विस हमारी मस्त हो चुकी है। तो गाइस अब कल देखेंगे गाड़ी, कल धुलवाएंगे और मस्त चकाचक करा देंगे, सर जी के साथ चलेंगे कल भी। तो अब जल्दी से पहुँचते हैं गाइस घर, क्योंकि अम्मा का फोन आ चुका है 2-3 बार। गाइज अभी पहुंच चुके हैं घर, तो अभी ये सामान उतार लेते हैं, ये कट्टा उतार लेते हैं गाइज जो आटा पिस के आया था ना। सो गाइज फाइनली पहुंच चुके हैं अब घर, थोड़ी राहत की सांस ली क्योंकि वहां तो गर्मी इतनी हो रही थी गाइज भयंकर वाली, और देखो सबसे ज्यादा परेशान इन सर जी ने करा, कंधे पे लाना पड़ा के लोग गाइज। और यहाँ तैयारी हो रही है अब खाने की गाइज, क्योंकि मैंने सुबह से खाना नहीं खाया था, तो यहाँ चाय बननी है, यहाँ रोटी बनाई जा रही है अभी हमारी, और बनी है स्पेशल कढ़ी, तो अभी कढ़ी इन्होंने सुबह बनाई थी, अब कढ़ी फ्राई करके मिलेगी गाइज। इस टाइम देखो 6:45, 15 मिनट बाकी, बस 6 बजने में शाम का खाना ही हो रहा सीधा डायरेक्ट मेरा। नहीं शाम को फिर खाऊंगा, ये शाम की हो गया ना तो? नहीं गाइज मेरा सुबह का पेट खा लिया, तो मैं सुबह का कैसे मिस कर दूंगा, शाम का शाम को खाएंगे। और ये देखो गाइज ये यहाँ पोपट से खेल रहे हैं छोटे उस्ताद हमारे पोपट, तो ये लग रहा है गाइज कढ़ी में तड़का, मस्त चटपटी हो जाएगी अब। गाइज मजा जब ही आता है सब्जियों में, जब तक 2-3 बार फ्राई ना हो लेना देसी घी में, तभी टेस्ट आता है, और जितनी बार फ्राई करो ना उतना टेस्ट बढ़ता जाता है, पर टेस्ट के साथ साथ ये सर जी भी बढ़ते हैं गाइज, टेस्ट के साथ साथ इनका भी ख्याल रखना होता है ना। तो गाइज खाना आ चुका है, अभी जल्दी से पेट पूजा कर ले, भूख लग रही है बहुत तकड़े वाली गाइज। तो गाइज खाना पीना हो चुका है मस्त अपना। मैंने कौन सा जोक मार दिया यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा गाइज। देखो देखो भाई चुप हो जा बस। क्या बात होगी, बात तो बता दे।
ये इसे देख देख के हंस रहा। तो गाइस आज के इस ब्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। गाइस पता नहीं चल रहा आज क्यों एक दूसरे को देख कैसे जा रहे।